हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। 31 जुलाई जा चुकी है तो अभी आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो अभी इनकम टैक्स का बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली लेट फीस आएगा भरने के लिए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कितने इनकम पे आपको लेट फीस नहीं पे करनी है, कितने इनकम पे 1000 पे करनी है, कितने इनकम पे 5000 आएगा। डिटेल में इनकम टैक्स के पोर्टल पे एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना लेट फीस आपको लगेगा और कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आपको लेट फीस कब नहीं लगेगी। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी। ध्यान दीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है। अगर नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है तो लेट फीस लगेगी, लेकिन ग्रॉस टोटल जो है वो 2.5 लाख से कम है तो आपको लेट फीस देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पहला एग्जांपल देख लीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम 2,45,000 है एंड नेट टैक्सेबल इनकम 2,05,000 है। अभी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कोई भी लेट फीस नहीं आएगी अंडर सेक्शन 234F। अभी अगर दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं जिसमें मेरा ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से तो ज्यादा है बट नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है। अभी मैंने बोला ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको पक्का लेट फीस आएगी 1000 की। मैं यहाँ पे चेंजेस करके आपको फीस दिखा देता हूँ कैसे आएगा पे करने के लिए। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम आपका 2,85,000 है जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है एंड आपका नेट टैक्सेबल इनकम 2,45,000 है जो कि 2.5 लाख से कम है। चूंकि आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो गया है इसलिए आपको 1000 की लेट फीस आएगी भरने के लिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो 1000 की लेट फीस होती है ना उसके लिए हम ग्रॉस देखते हैं, नेट नहीं देखते हैं। जो 5000 की लिमिट होती है ना उसमें हम नेट देखते हैं, ग्रॉस नहीं देखते हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको 5000 की लेट फीस कब आएगी। 5000 की लेट फीस आपको तभी आएगी जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मेरा ग्रॉस 5 लाख से ज्यादा है बट नेट 5 लाख से कम है तो भी आपको 1000 की लेट फीस आएगी। वो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे इनकम वापस चेंज कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम 5,35,000 है जो कि 5 लाख से ज्यादा है बट नेट टैक्सेबल इनकम 4,95,000 है जो कि 5 लाख से कम है। तो भी यहाँ पे आपको 1000 की ही लेट फीस आएगी। आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, मतलब 5000 का जो लेट फीस है ना उसके लिए नेट टैक्सेबल इनकम देखते हैं, अगर वो 5 लाख के ऊपर जाता है तो भी 5000 की लाइबिलिटी आती है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ 5 लाख के ऊपर का भी इनकम दिखा के। जैसा कि आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम मैंने बढ़ा दिया है 5,45,000 एंड टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख के ऊपर चला गया है तो अभी आपको जो लेट फीस आएगा ना वो 5000 आएगा क्योंकि नेट टैक्सेबल इनकम आपका जो है 5 लाख के ऊपर चला गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेट फीस का क्राइटेरिया कैसे है और आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे बेसिकली फिल करना है अपने इनकम को। एंड बोनस पॉइंट ये है कि अगर आपका सैलरी इनकम है, अगर आपका सैलरी इनकम है और आपका इनकम 3 लाख है तो भी आपको कोई भी टैक्स या फिर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी लेट फीस की। क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद आता है। दैट मीन्स आपका इनकम 3 लाख है तो उसमें से 50,000 पहले माइनस करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख हो जाएगा जिसपे आपको लेट फीस नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।